जोया देसाई। यप। सो ये फिल्म करने के कितने चैलेंजेस आपने फेस किए और क्या क्या चैलेंजेस आपको आए इस शूटिंग के दौरान? मैं एक बात आपको बता दूं, आज की तारीख में फिल्म बनाना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। और वायकॉम से अजीत भी ये बताएंगे कि उस फिल्म में लोगों को अंदर थिएटर में लाना उससे भी बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग काम बन गया है। इन दो चैलेंजेस के अलावा इस फिल्म में मुझे और कोई चैलेंज नज़र नहीं आता, क्योंकि हमें फिल्में बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो somebody asked me why do you make films, तो मैंने कहा I've been in the industry for, like I said, we've been around for about 17 years now, and हम फिल्में इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें फिल्में बनाना इतना अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। सो सेम थिंग विथ हॉरर, मुझे डरना भी अच्छा लगता है और डराना भी अच्छा लगता है। सो द बिग चैलेंज इन दिस फिल्म वॉज, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वॉज टू बी ऑनेस्ट टू ourselves। कहीं भी फॉर एग्जाम्पल हॉरर नाम की जो एक जॉनर है, उस जॉनर को सबने बहुत डाइल्यूट करके रखा हुआ है। कोई उसमें कॉमेडी घुसा देता है, कोई सेक्स घुसा देता है, कोई दो गाने घुसा देता है। तो द आइडिया वॉज इसमें सिर्फ हॉरर घुसाना और कुछ नहीं घुसाना है। और टू मेक, आई ऑलवेज बिलीव दैट द ट्रूअर यू स्टे टू अ जॉनर, द मोर द फैंस विल रिस्पॉन्ड। तो हाउस नेक्स्ट डोर एक प्योर हॉरर फिल्म है, जो इस फिल्म के बाद बाकी लोगों को अच्छी लगनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो एवरीथिंग फ्रॉम प्रेजेंटिंग द फिल्म, और बहुत लोग ट्रेलर्स देख के बोलते हैं अरे पूरी पिक्चर दिखा दी यार, मेरे को कहानी समझ में आ गई, वो उसकी मौसी है और वो उसने एक चूहे को मार दिया और वो चूहा वापस आ गया और सब मर गए, मतलब सारी कहानी वो लोग गेस कर देते हैं। सो ये ट्रेलर वैसी ट्रेलर नहीं है। तो अगर आपको इस ट्रेलर को देखने के बाद ये फिल्म समझ में आ गई है तो प्लीज़ मुझे भी समझा दीजिए, क्योंकि वो उसका इंटेंशन नहीं था। सो दैट वॉज अ चैलेंज कि कितना दिखाना है और कितना छुपाना है, क्योंकि बहुत अच्छी शॉट्स हैं, बहुत सारे डरावने सीन हैं, सारे शॉट्स थोड़े ना दिखाने। तो इसमें जो आपने देखा है, अगर इसमें आपको मज़ा आया तो इस, अगर ये 2 मिनट का ट्रेलर था और आपको 10 ग्राम मज़ा आया, तो 2.5 घंटे की फिल्म है, आप सोच लीजिए आपको कितना मज़ा आएगा। तो वो एक चैलेंज था टू कीप द स्केयर्स इंटैक्ट एंड टू मेक श्योर दैट इट इज ऑलवेज एन ऑनेस्ट एंड इंटरनेशनल फिल्म। सो विल इट बी कम्पीट टू बॉलीवुड, जैसे आपने कहा कि हॉलीवुड हॉरर जैसा बॉलीवुड में नहीं बनता, तो क्या ये मूवी कम्पीट करेगी उसे? इरादा तो यही है, और जो मैं, हम लोग की तो मतलब सपना देखना तो सबको अलाउड है। तो आई वुड लाइक टू शो दिस फिल्म टू द पीपल हु इंस्पायर्ड अस इन द वेस्ट। सो हमारे जो फेवरेट फिल्म मेकर्स हैं, तो मुझे लगता है कि उनके इर्द गिर्द अगर फिल्म रिलीज हुई तो वो 100% जाके देखेंगे। तो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, क्योंकि मैं उनको एक सबस्टैंडर्ड फिल्म तो दिखाने नहीं वाला। तो मुझे लगता है कि गिवन आर यू नो आर मार्केट एंड आर ऑडियंस, आई थिंक दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस। सो येस, इट इज़ ऑन पार विथ एनी हॉलीवुड हॉरर फिल्म। इरादा 100% यही है। तो कितना हम लोग कामयाब हुए, ये जितने लोग थिएटर में आके साथ यू नो चीखेंगे और चिल्लाएंगे, उसमें हमारी जीत का मतलब आपको अंदाजा लग जाएगा। सो दैट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर November 3rd। सो वो सवाल में आई विल बी एबल टू आंसर इट बेटर नेक्स्ट मंथ। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेलर लुक्स वेरी स्केरी, एंड माय क्वेश्चन टू यू इज कि व्हाइल फिल्मिंग ड्यूरिंग द शूट एनी स्केरी इंसिडेंट व्हिच हैपेंड व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? हियर्स द थिंग, अतुल सर को ये सवाल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं उनसे ये सवाल चुरा के जवाब दे देता हूँ। एनीथिंग इन लाइफ इज़ अबाउट बिलीफ, ठीक है ना? तो जैसे कि मिलन पहले बता रहे थे कि वन पर्सन इज़ अ बिलीवर, वन पर्सन इज़ अ नॉन बिलीवर। नॉन बिलीवर को बिलीवर बनने में 1 सेकेंड लगता है, और बिलीवर को नॉन बिलीवर बनने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, क्योंकि बिलीफ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, विश्वास, यू नो। सो आई बिलीव दैट व्हेन आई वाज शूटिंग द फिल्म देयर वाज लॉट्स ऑफ स्टफ हैपनिंग, और मैं ये नहीं कह सकता कि वो सिर्फ मेरी फिल्म में हो रहा था या हर फिल्म सेट में होता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हुई। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे मिलिंद मेरे को एक शॉट समझा रहे हैं और उधर एक छोटी बच्ची खड़ी है और कैमरा रोल होने वाला है, और हम लोग बोलते हैं कि नहीं 1 सेकेंड, मैं इधर से उधर जाता हूँ और ऊपर से लाइट यहाँ गिर जाती है। अभी वो लाइट किसी भी सेट पर गिर सकती थी, जब मेरे सेट पर वो लाइट गिरी ना तो सब लोग की हवा निकल गई, तो सबको ये लगने लगा कि देयर इज अ रीज़न कि ये हमारे सेट में हो रहा है। और जब मैं 100-150 लोगों के साथ पहाड़ों में शूटिंग कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जो बिलीवर्स थे सेट में, उन लोगों का एनर्जी वॉज क्वाइट इन्फेक्शियस। तो जो नॉन बिलीवर्स सेट पे थे, उन्होंने भी बिलीव करना शुरू कर दिया। सो द स्केरी इंसिडेंट्स वर देयर ऑल्सो। आई हैड बिल्ट अ हाउस, इनफैक्ट वी वर शूटिंग ऑन लोकेशन एंड वी हैड बिल्ट अ लॉट ऑफ स्टफ अराउंड द सेट। सो रात को जब, व्हेन वी शूट एंड वी फिनिश एंड गो,
सिर्फ दो लोग वहाँ सोते थे, और वो दो लोगों की जो ड्यूटी है ना, मैंने करीबन 15 बार बदली होगी, क्योंकि कोई भी दो दिन दो रात तीन रात के साथ नहीं रुकता था वहाँ पे. सो देयर इज ऑलवेज स्टोरीज. अभी उसने क्या देखा, उसको मे बी मेरा चेहरा अच्छा ही लगा होगा, शायद वो कहीं और नौकरी करने चला गया होगा, बट ऐसी काफ़ी चीज़ें हुई थी. और मेरे पास जो यहाँ एक मैडम बैठी है, इन्होंने शी वुड गेट स्केर्ड नो मैटर वॉट हैपेंड. तो मतलब मुझे लगता था कि कोई मर गया है, कहीं दूर से चीखने की आवाज़ आएगी, हम लोग जाके देखेंगे, नो इट्स नथिंग, आई गॉट स्केर्ड. यहाँ से शी वुड हैव शाउटेड. तो शी वॉक्ड इन टू, जो भी इस पिक्चर में भूत बने हैं, जिन्होंने जिनको प्रीतिशील ने भूत बनाया हुआ है, उनके अलग रूम्स थे. और ये मैडम कुछ फ़ोन पे बात करते हुए या खाना खाते हुए उस कमरे के अंदर चली गई रात को, और वो मेकअप में बैठी हुई है पूरा. तो इसने इतनी ज़ोर से चिल्लाया दैट वी थॉट समथिंग इट हैपन, बट शी वॉज जस्ट मीटिंग अ को एक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम. बोलते हैं ना, टू हीरोइंस डोंट गेट अलॉन्ग, ऐसा कुछ हुआ होगा शायद. सो वो एक एक बात थी. दूसरी बात थी हमारे सेट, हाँ कौन सी, वो वाली ज़्यादा खूबसूरत थी. Is that what he's saying? So, दूसरे set में we had a little child with us. So, whatever is done around the child gets multiplied by 10. तो उस बच्ची को, because I don't believe कि cinema के लिए हम लोग कुछ भी कर देंगे, ऐसा नहीं है. बच्ची बच्ची है, we have to take care of her during the shoot of the film. So, a lot of these kind of incidents happened. But generally, what we had to do, and और ये काफी sets पे भी होता है, हमने हवन हवन करवाया था उसके बाद, and then people felt a little better. और वो हवन का असर था या सिर्फ वो उनको, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी लोग, आप हो, अगर दो कैमरा सडनली गायब हो गए तो सब लोग डर जाओगे ना. अभी जाहिर सी बात है कि कैमरा चुरा के भी जा सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है वो क्यों हुआ होगा? तो ये क्यों हुआ होगा का आंसर मुझे देना पड़ा, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर था सेट पे. तो हवन कराया, सबको खुश कराया, सेट को ब्लेस कराया. सो ऐसी चीज़ें जनरल जॉनर फिल्म में नहीं होती, हॉरर फिल्म में ये सब एक्स्ट्रा खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ता है. या माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मिस्टर अजीत, लाइक हमारे हिंदी सिनेमा में इतनी अच्छी हॉरर फिल्म्स हमने कम ही देखी हैं, तो वायाकॉम का इस प्रोजेक्ट को बैक करना क्या रीज़न था, एंड हाउ डू यू थिंक पीपल विल रिस्पॉन्ड टू द हाउस नेक्स्ट डोर? सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सी, व्हेन द फिल्म वाज नरेटेड टू मी, आई एम नॉट साउंडिंग लाइक माई सेल्फ, मे बी समथिंग टू डू विद द हॉरर. सो व्हेन द फिल्म वाज नरेटेड, you know, I finished hearing it and I had almost assumed that Siddharth is interested in this only as a producer or as a partner, and that he's of course not going to be playing the man himself. Mm-hmm. I think what impressed me is that someone who's done, you know, absolutely top level films, and you know, horror, how is it looked at? There is a, I mean, ye thodi waisi wali film, right? People look at this segment. So people who love it with everything, and then the rest of the industry, achha, ye waisi wali film. But when I saw this guy's passion, I was quite blown over. You know, his belief in the film was something which was amazing. Milind and him, when they explained to me, and I have absolutely nothing to do with horror films. You know, I hate horror films. And the worst thing that I had to do is through the trials of this film, you know, sit and watch and those scares again and again. And if I can please, with Ajit's permission, tell you, I had the honor of sitting next to him. sitting next to him, and because film maine banayi hai to main sirf Ajit ko dekh raha hu, and Ajit doesn't know I am looking at him. So imagine, iske pehle to Ajit and I have traveled as he's the head of a studio CEO, and we're all getting into know each other, and then inside the theater he's watching like this. And is haath mein popcorn hai, ye haath yahan pe ek, he's watching, and he's the producer who's seeing a trial of the film ki hum log baith ke discuss karenge. To mujhe laga, maine pehli baat maine Ajit se kaha, aadhi film to aapne dekhi nahi hai, aap to correction nahi de sakte ho abhi. So please continue. So I think one is the belief that I saw in him, because as a studio, you know, what you see is that when somebody is presenting a story, how much he believes in it, because he is finally going to sort of bring it to life, right? So Milind and Siddharth both, they stood out in terms of how they believed, and the fact that he was playing the role himself. The other thing which as I said, we were looking for, is we were very clear that, see, horror is a loyal segment. Jo horror ke bhakt hain, wo hain bhakt, aur wo aayenge. So can we come up as a studio, as a leading studio, can we stand up to this test and actually deliver a film, you know, which can get some respect that, yes, we managed to do justice to the genre. So these two things, the belief and the fact that we were looking to do a proper horror film, I think these two things matched, and I decided to walk the tough path of, you know, producing a horror film, and here we are. Okay. Any paranormal activities? Kuch? In the office.
In Viacom, if I can find anybody in Viacom after 3 p.m. on Saturday, it's a paranormal activity. Okay. Thank you. Check. Yeah. Andrea, here. Sweet. Oh. Yeah. The question is, this is your first Bollywood film, right? Yeah. So why horror? If you're that scared of horror, then why horror? Because acting in a horror film is very different from having to watch it. I haven't even watched the trailer. I mean, every time I like, that's just what I do. But a film is a film, and it's a great script, it's a great team, and as an actor, I would have been a fool to not do it. Also, of course, Sid is a good friend of mine, and I love the vision that both he and Milind had for the film. So I'm really happy to be a part of it. Atul, sir. आपने बोला कि फर्स्ट टाइम व्हेन यू मेट हिम इट वाज अ मनुज डे दैट यू मेट दिस गाय हाउ वाज इट मीटिंग आफ्टर 12 इयर्स ऑफ द होल डे नो वी कीप ऑन मीटिंग आई मीन द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड विद रंग दे बसंती एज अ क्रू इज दैट वी ऑल ऑफ अस आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी कीप ऑन मीटिंग एवरी नाउ एंड देन सो इट्स नॉट दैट आई मेट हिम आफ्टर 12 इयर्स आई वर्कड विद हिम आफ्टर 12 इयर्स एंड आई थिंक I mean, it was as expected, because in Rang De Basanti also, amongst all the characters, our characters shared a very different chemistry. I still remember the scene where we share a smoke, and that was really a wonderful, you know, chemistry that these two characters had without, you know, speaking anything to each other. And that continued, and I think the friendship of all these years really helped us making this film.